बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज में किस्त पर। त्यौहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे। एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज LG सैमसंग सोनी वॉलफोल गोदरेज BPL बोश केंट के सभी सामान इसके साथ ही मोबाइल लैपटॉप अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुंदिया रोड पुराना किला मोड़ संपर्क करें 0154979634। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया गारंटी असली स्टील की गारंटी मजबूती की। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के लिए कल चुनाव परिणाम घोषित हो गया जिसमें पूर्व सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह ने रमायन चौधरी जो निवर्तमान अध्यक्ष थे उनको हराकर फिर से सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए अध्यक्ष बने। बता दें कि मनोज सिंह ने रमायन चौधरी को 21 मतों से पराजित किया जिसके बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल कायम हो गया। सिवान शहर के टाउन हॉल में 4:30 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई और शाम करीब 7:30 बजे तक मतगणना की प्रक्रिया समाप्त कर ली गई। हालांकि उसके पहले ही मनोज सिंह आगे बढ़ रहे थे, लीडिंग कर रहे थे रमायन चौधरी से, जिसके बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल शुरू हो गया। तो आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मनोज सिंह के जिद के बाद किस तरह उनके समर्थकों में उत्साह है, जश्न है। उनके समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लूट होने से बचेगा, शराब कारोबारी के हाथों में जाने से अब बच गया। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का विकास होगा, छपरा की तरह सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अब नहीं बंद होगा क्योंकि मनोज सिंह इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मनोज सिंह के जीत के बाद बीजेपी नेताओं के साथ और लोगों ने क्या कुछ कहा, लेकिन उसके पहले अब मनोज सिंह के जीत के बाद जश्न की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तो मनोज सिंह जीत के बाद बाहर निकले और देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, माला पहना के मनोज सिंह। देखिए मैं अपने पैक्स अध्यक्षों को जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया दिल के गहराइयों से उनका सम्मान करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरा समर्थन किया और मुझे जीत हासिल करने में सहयोग किया। देखिए घोटाले का असर रहा, जिसने घोटाला किया वोट देने नहीं आया, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है, प्रमाण क्या चाहिए। जिसने घोटाला किया वो वोट देने नहीं आया, उनके खिलाफ नहीं, मैं व्यवस्था के खिलाफ करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा था कि 105 साल पुराना जो हमारा बैंक है, सिवान का धरोहर है, उसको लूटने का काम इस 5 साल में किया गया रामायण चौधरी के द्वारा। अभी अभी स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा, महालेखाकार को चिट्ठी लिखेंगे, स्पेशल ऑडिट कराएंगे, उसके बाद उनसे उसके बाद जो होना होगा। तो ये मनोज सिंह है, देख सकते हैं किस तरह जो समर्थकों में उत्साह दिख रहा है और काफी उत्साह दिख रहा है। मनोज सिंह चुनाव जीतने के बाद बाहर निकल चुके हैं और मनोज सिंह की लगभग 18 वोटों से जीत दर्ज करने की बात की गई है और किस तरह समर्थक इनका स्वागत कर रहे हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं। टाउन हॉल के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह मनोज सिंह का स्वागत किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि इस तरह मनोज सिंह के समर्थकों में उत्साह दिख रहा है और मनोज सिंह के समर्थक काफी खुश हैं और यहाँ पे टाउन हॉल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गोद में उठा लिया गया है मनोज सिंह को और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह मनोज सिंह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है।
मनोज सिंह ने अपने चिर प्रतिद्वंदी रामायण चौधरी को हरा दिया है। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सिंह। बता दें कि इसके पहले मनोज सिंह अध्यक्ष थे, जब इसके पहले वाले चुनाव में रामायण चौधरी ने मनोज सिंह को हरा दिया था और रामायण चौधरी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने थे, लेकिन इस बार रामायण चौधरी को हरा कर मनोज ने फिर से कोऑपरेटिव बैंक के पद पर अपना कब्जा दाखिल कर लिया है। और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है, गटली का माहौल हो गया है। तो ये मनोज सिंह के जीत के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दीवान कोऑपरेटिव में व्याप्त भ्रष्टाचारी के खिलाफ आज जो मतदान हुआ, उसमें दीवान कोऑपरेटिव के जो पैंसठ अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाजपा नेता मनोज सिंह को विजयी बनाया। इसके लिए सभी का धन्यवाद, बधाई। मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद। देखिए, 2024 में तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी पिछड़ा के बेटा हैं, और 2024 के चुनाव में कोई भी लड़ाई नहीं है। 2024 में हम सिवान लोकसभा के साथ ही बिहार के 40 लोकसभा सीट पर अपना विजय का पता सामान्य होता है। यहाँ के मतदाताओं ने भ्रष्टाचारी के खिलाफ अपना मोहर लगाया है। जो कोऑपरेटिव बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचारी था, अब सिवान का कोऑपरेटिव बैंक भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। बिना वजह से दबंगई के बल पर लोग हल्ला बवाल करके मतदाताओं को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे। मतदाता तो आज से 10 दिन पहले ही अपना मूड बना चुके थे कि बैंक बचाने के लिए अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार सिंह को निर्वाचित करना है। बिल्कुल 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 भाई, हमारे भाई भाई आधा तू खा। सभी को कोटि कोटि बधाई और उनके उम्मीदों पर माननीय मनोज कुमार सिंह खड़ा उतरने का काम करेंगे। भाई बोलते नहीं आगे। जी, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ भ्रष्टों का आड़ा बन गया था, इसलिए जो है सर को आना अनिवार्य था, है ना। और सभी जाति धर्म के लोग मिल के जो है इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं, है ना। जी बिल्कुल होगा, विकास पुरुष है, बिल्कुल होगा विकास। ये जीत बहुत बड़ी जीत है सिवान की जनता के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ पक्ष जो राजनीति जो चाहते हैं उसके लिए बहुत बड़ी जीत है, मायने रखते हैं कॉपरेटिव। क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र में घूम रहे थे पैक्स अध्यक्ष के साथ घूम रहे थे, और नॉमिनेशन से लेके सभी पैक्स अध्यक्ष इस चुनाव का एक तरह से इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग इससे मुक्त मिले, यहाँ भ्रष्टाचार जो व्याप्त समाप्त हो। हम लोग जो कॉपरेटिव चेयरमैन का जीत, हम लोग पहले ही से आशान्वित थे कि 100% हम लोगों का जीत होगा। बीजेपी की 100% लड़ाई थी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे लगे हुए थे चुनाव में, और 100% आशान्वित थे कि चुनाव में हमारी का 100% ये सिवान जिला के सभी जो है पैक्स अध्यक्षों के जीत है, और इस जीत के पीछे हम लोग आश्वस्त थे, क्योंकि पिछले 5 साल में जो पैक्स अध्यक्ष जो है ठगे ठगे महसूस कर रहे थे, जो आज अपना मत देकर मनोज सिंह को विजयी बनाकर जो है वो अपना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह सत्य की जीत है। जो लोग सोचे थे कि मनोज सिंह का जलवा खत्म हो गया ना, आज मनोज सिंह के लोगों ने बता दिया कि आज उनका जलवा बरकरार है। सिवान जिला के सभी पक्ष अध्यक्षों को मेरा हृदय से प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और चंदन।
सिवान में एक सहकारिता का नया किरण का उदय हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम मनोज सिंह है। मैं चाहूँगा कि सहकारिता परिवार को सकल समाज की अवधारणा बना के सबका समन्वय कर, सबका साथ, सबका विकास कर, सब में हिंद भिंद कर, घुल मिल कर हम लोग सहकारिता परिवार को मनोज बाबू के नेतृत्व में आगे ले चलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी अध्यक्षों को मेरा एक बार चरण स्पर्श वंदन और अभिनंदन। घूस का कारखाना बंद हो गया सर, हाँ 5 साल बहुत। क्या कहना, अपार खुशी है कि मनोज व्यक्त हुई है और कोऑपरेटिव बैंक सिवान का बच गया, के लिए अपार खुशी है कि लूट कोऑपरेटिव बैंक इधर लूट खसोट का अड्डा हो गया था, जो कि हम लोगों का बच गया, ये बहुत मैंने ये खुशी है और भाई की जीत पर हम लोग बहुत मैंने तो शायद खुशी है। इस जीत खुशी इसी बात की है कि भ्रष्टाचार मुक्त जिला हुआ और अब जो करा उसमें कुछ सच्चाई रहेगी। और हम यह निवेदन करेंगे अपने मनोज जी से, मनोज नहीं है बल्कि हमारे वो भतीजे हैं, मदन भाई के लड़के हैं, कि एक जो है सो नया रूपरेखा खींचे और सिवान जिला में इस कोऑपरेटिव बैंक को बिहार में एक नंबर का लाने का कोशिश करें। इसी बात चंद शब्द मैं करता हूँ, उनकर जीत के लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी की जय हो। सिवान के सभी पैक्स अध्यक्ष, सभी वर्ग के पैक्स अध्यक्ष और सभी सहकारिता से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सही निर्णय लेते हुए मनोज सिंह जी को अपना चेयरमैन बनाया है। अब पुनः कोऑपरेटिव बैंक जो एक तरह से नीचे गिर गया था, अब पुनः स्थापित होगा और सिवान की जनता को उसका बहुत लाभ मिलेगा। जय मनोज, जय सहकारिता। पहले सबसे पहले कामना दूंगा सिवान जिला की वासियों को, प्रतिनिधि वर्ग और हमारे सचिव, इन्होंने वोट देकर मनोज विजयी बनाया और बैंक का वृद्धि एवं पैक्स का हेतु व्यक्ति का चुना है। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम लोगों में खुशी की माहौल है। हम तो सभी पैक्स को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं कि जो मेरे मनोज भैया के चुने हैं, और हम लोग 100% संतुष्ट हैं क्योंकि लूट खसोट नहीं होगी, धरातल पर काम होगी, सादा पेपर पर साइन करके किसी पेमेंट का भुगतान ना होगा, धान खरीदने के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। बैंक अध्यक्ष पूर्ण रूप से प्रचार का अड्डा दिया था, प्रति बैंक पूर्व में एक दारू मगा का है, इससे किसानों को मुक्ति मिलेगी और असूली से मुक्ति मिलेगा बैंक को।